दोस्तों, ये जेट प्लांट का जो झूला देख रहे हैं, ये किसी समय झूला बनकर के तैयार होगा। तो मैंने इसको अच्छे से बनाने की कोशिश की फ्रेंड्स, ये मैंने वीडियो को नहीं शूट कर पाई। बहुत से फ्रेंड्स प्लांट्स ऐसे हैं कि जो मैंने वीडियो को नहीं शूट किया, और बोनसाई भी लुक दिए हैं मैंने, बहुत तरह तरह की टोपियारी दी है फ्रेंड्स। तो छोटी छोटी कटिंग को मैंने कैसे लगाया, कैसे ग्रो किया है और कैसे मैं केयर करती हूँ, छोटी सी छोटी कटिंग फ्रेंड्स मैं बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ। एक भी जेट प्लांट की, जो हमारा ये लकी प्लांट है, ये क्रासुला फैमिली से बिलोंग करता फ्रेंड्स, और मैं इसकी एक पत्ती भी नहीं फेंकती हूँ। ऐसे पत्तियों को बिछा देती हूँ, अगर जो पत्ती पत्ती बचती हैं फ्रेंड्स, मैं उनको बिछा देती हूँ। बिछाने के बाद में
फ्रेंड्स जो ग्रो होना होता है वो हो जाते हैं, और जो नहीं ग्रो होना होता है तो फ्रेंड्स वो डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। तो एक हमारी फर्टिलाइज़र भी बन करके तैयार होती है। हमारे व्यूअर फ्रेंड जितने भी हैं वो सभी जानते हैं, और जितने भी हमारे फ्रेंड हैं गार्डनिंग करते हैं, तो वो कोई भी चीज़ ऐसी फेंकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते, वो बिल्कुल भी कबाड़ नहीं समझते हैं। जो लोग कबाड़ समझते हैं उसी कबाड़ से वो हीरा बना लेते हैं फ्रेंड्स इस गार्डन में। और जो है फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए हो मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, तरह तरह की DIY अच्छी लगे, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन में घंटी को जा कर के प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई सा वीडियो मैं अपलोड करूं फ्रेंड्स तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे और एक दूसरे की हेल्प करते रहें फ्रेंड्स। और आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि हमारी तरह तरह की टोपियारी कैसी रही फ्रेंड्स हैं। दोस्तों, जिस समय जेट प्लांट से टोपियारी तरह तरह की बनकर के तैयार होती हैं, तो फिर गार्डन से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, सारी थकावट दूर हो जाती है फ्रेंड्स। तो आप देखिए और बताइए कि हमारी कैसी टोपियारी हैं, कैसी नहीं फ्रेंड्स। और कभी कभी ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि पूरी शाम को काम से फ्री हुए तो तुरंत गार्डन में जा कर के लग जाते हैं, तो रात में तो नहीं सूट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यही सब हम लोगों की कहानियां हैं हमारी। और जो है आप लोग भी अपना ध्यान रखें, गार्डनिंग करें, अपने एटमॉस्फेयर को अच्छा रखें। हैप्पी गार्डनिंग।